हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशु मोनू व्लॉग में आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह प्रभात। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अभी देखिए स्टार्ट हो गया है मेरा काम, तो कपड़े तह लगाने से हो रहा है। और इधर मेरे हस्बैंड जी चले गए थे शॉप, लेकिन मैं उनको बुलाई हूँ क्योंकि श्रेयू का जो दवाई है ना वो नहीं आया था, मतलब नहीं लेकर आए थे उसको और ख़त्म हो गया था, तो उनको मंगाना था। तो मैं सुबह टाइम बोलना भूल गई थी, तो मैं उनको फ़ोन लगाई थी तो वो फिर आए और लेकर गए पर्ची और दवाई को और फिर ला कर दिए। तो फिर मैं श्रेयू को पिलाई, तब थोड़ा सा उसको ठीक लगा। तो देखिए अपना जो काम कर रही थी उसको मैं फटाफट से पूरा कर ली हूँ, और श्रेयांश वहाँ पर टीवी देख रहा है, टीवी चालू करके दे दी हूँ। और उसके बाद मैं लेकर आ गई हूँ झाड़ू को, झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर किचन वगैरह का पूरा झाड़ू लगा रही हूँ और पूरा साफ़ कर देती हूँ क्लीन। और मुझे थोड़ा सा ना घर को चेंज करना है, रूम को, हॉल को थोड़ा सा चेंज करना है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैं फाइनली सोची हूँ कि आज मुझे चेंज करना ही है। तो सबसे पहले मैं अच्छे से पूरा क्लीन करके झाड़ू लगा लेती हूँ सभी तरफ को। उसके बाद फिर मुझे जो मतलब थोड़ा सा चेंज करना है अपने घर को, उसको फिर मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं जो फ्रिज था वो किनारे में, तो उसको मैं उसको लेकर जा रही हूँ उधर हॉल में साइड में, क्योंकि मुझे ना फ्रिज को यहाँ रूम में नहीं रखना है। मतलब जगह रहता तो रख भी लेती बट यहाँ पर जगह नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से मैं उसको हॉल में लेकर गई हूँ। और हॉल का जो बड़ा सा सोफ़ा है उसको मैं लेकर आ रही हूँ रूम में, यहाँ किनारे में रखूँगी ताकि ना हम लोग को इधर खाना खाते भी बन जाए और इधर टीवी देखते भी साथ में बैठ के अपना देख ले वो भी बन जाए। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ये हो नहीं पाया मेरा, मतलब बहुत मेहनत कर रही थी कि हो जाए, मेरे से हो नहीं पा रहा था। काफ़ी कोशिश करी, देखिए यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा था मेरा। तो फिर थोड़ा सा ना रुक गई थी मैं, कैसे करूँ कैसे करूँ, हो नहीं पा रहा था, मतलब हार गई थी होगा कि नहीं होगा मेरे से अकेले करके। बट मैं तो करूँगी ही, मतलब कर ही लूँगी, सोच ली थी कि मुझे करना ही है। तो मैं देखिए फाइनली थोड़ा देर के लिए तो रुक गई थी, क्या करूं क्या नहीं करूं सोच रही थी। बहुत भारी है सोफ़ा, ऐसे ही नहीं है कि मतलब हल्का नहीं है, और अकेले करना तो सोचो ना, थोड़ा सा तो टाइम तो लगेगा ही मेरे को। और मैं कोशिश तो कर रही हूं कि आ जाए अंदर, लेकिन वो दरवाजे का जो है ना चौखट वो मतलब रोक रहा है, उसको नहीं हो पा रहा है। फिर भी हार गई थी बट, लेकिन ना उसको मैं टेढ़ा करी हूँ। उसके बाद उसको देखिए मैं कैसे खींचते हुए लेकर आ रही हूँ अकेले, वो भी काफ़ी मुश्किल हुआ बट कर ली मैं, और करना ही है मुझे ही, मैं और किसको बोलती करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर फाइनली मेरा सोफ़ा जो है रूम में घुस गया, आ गया। काफ़ी खुश हूँ मैं कि सोफ़ा को मैं लेकर आ गई अकेले, वो भी रूम में। तो देखिए काफ़ी मशक्क़त कर रही हूँ ना लाने के लिए, देखिए इधर से उधर उधर से उधर अकेले करना पड़ रहा है। तो और फाइनली देखिए मैं किनारे में उसको रख दी हूँ, और सोफ़ा को अच्छे से मैं झाड़ भी दी थी बाहर में ही, हॉल में ही। उसके बाद यहाँ पर मैं ला कर रखी हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर से बैठ के खाते भी अच्छे से बनता है और ना टीवी देखते भी अच्छे से बनता है। उसके बाद फिर मैं इधर हॉल में जो कचरा था, धूल वगैरह जमा था, तो उसको फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए फिर इधर आ गई हूँ। लग गया था झाड़ू बट, लेकिन अब सोफ़ा को हटाई तो धूल तो रहेगा ही, उसमें नीचे में रहता ही है। तो उसको फिर मैं यहाँ पर झाड़ू अच्छे से लगा रही हूँ, और उसके बाद वहाँ पर मैं ना पंखा चालू करी हूँ और लेने के लिए जा रही हूँ वहाँ पर से मैं पोछा डंडी। तो पोछा को भी लगा देती हूँ ना साथ ही साथ, क्योंकि मुझे अब इधर का जो सोफ़ा है उसको मुझे इधर सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पोछा भी फटाफट से लगा रही हूँ, तो पोछा देखिए फटाफट से कर रही हूँ, और पंखा को तो ऑन कर दी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। गीला गीला मैं करूँगी ना तो वो निशान पड़ जाता है उसमें सोफ़ा का, इधर उधर खिसकाऊँगी तो धूल वगैरह रहता है। तो थोड़ा सा ना पोछा अच्छे से लगा ली, उसके बाद ना थोड़ा देर के लिए ऐसे सूखने के लिए छोड़ दी थी, सूख जाएगा तो फिर मैं इधर साइड करूँगी करके। तो यहाँ पर ना फ्रिज को मैं देख रही थी कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, समझ नहीं आ रहा था मुझे।
फिर ना यहाँ पर मैं उस किनारे में रखूँगी सोच रही थी, लेकिन जो लाइट का है प्लग लगाने वाला वो नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैं उसको इस साइड में लेकर आई हूँ। सोच रही थी कहाँ करूँ, समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर सोफ़ा को ना फिर मैं इस साइड कर रही हूँ, मतलब मैं अभी करके देख रही हूँ कि कैसा लगेगा पहले, तो उसके बाद फिर मैं अपना सेट करूँगी। मतलब एक बार रहता है ना, देख लूँ कैसा होगा, कैसा दिखेगा, अच्छे से दिखेगा कि नहीं, तो वैसे ही मैं ना चेक कर रही हूँ, ऐसी रखूँगी तो कैसे लगेगा, ठीक लगेगा कि नहीं। तो दोनों सोफ़ा को इस साइड तो रख दी हूँ, उसके बाद हाथ में झाड़ू लिए फिर मैं इधर को झाड़ू लगा रही हूँ, सोफ़ा को हटाई हूँ तो फिर थोड़ा सा कचरा निकल आया है, तो उसको भी मैं जल्दी जल्दी अपना झाड़ू लगा देती हूँ, और इधर भी फिर मैं पोछा भी लगा दूँगी तो साफ़ हो जाएगा मेरा। देखिए कितना सारा काम मतलब हो भी गया, और मेरा साफ़ सफाई का जो है धूल वगैरह आ गया था तो वो भी मेरा साफ़ हो गया, मतलब मेरा दोनों काम हो गया, रूम भी चेंज हो गया मेरा और इधर फिर सोफ़ा भी लग गया। तो देखिए उसके बाद मैं ना सोफ़ा को फ्रिज को मैं बीच में रखी हूँ और सोफ़ा दोनों सोफ़ा को साइड में कर दी हूँ, और तब जाके वो प्लग भी लगा, वहाँ पर लाइट का स्विच है वहाँ पे भी लग गया, और साथ ही साथ वहाँ पर फ्रिज रखा गया। तो फ्रिज को फिर मैं बीच में रख दी हूँ, बाकी इधर साइड में कर दी हूँ सोफ़ा को, तो ठीक लग रहा है, बट मेरे ख्याल से मैं ना नहीं ले पाई हूँ उसके बाद इधर, मतलब वीडियो नहीं ले पाई हूँ। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ, पूरा किचन किचन को और इधर रूम को भी अच्छे से झाड़ू पोछा कर दी हूँ। तो गाइस पूरा हो गया मेरा क्लीन करने का काम पूरा, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह और जहाँ जहाँ मेरे को साफ करना है धूल वगैरह वो सब पूरा साफ हो गया है।